मित्रों आज मैं आपको हनुमान चालीसा के चार ऐसे चमत्कारी दोहे बता रहा हूँ कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और तो आप उन चार दोहों को कंटिन्यूस एक घंटा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। मित्रों ये कौन कौन से चार चमत्कारी दोहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा वीडियो पूरा देखें। मित्रों जय श्री राम। मित्रों आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं और सीता माता ने उनको वरदान दिया था कि वो चिरंजीवी रहेंगे। और वैसे भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में जब कल के अवतार आएंगे, जब संसार के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो कल के अवतार का जन्म होगा और कल के अवतार उन पापियों का नाश करेंगे हनुमान जी के साथ मिलकर। तो हनुमान जी तब तक इस धरती पर रहेंगे और जहाँ जहाँ श्री राम का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज आते हैं और भगवान श्री राम का कीर्तन भी सुनते हैं और साथ ही वो जितने भी राम भक्त वहाँ आते हैं उनको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो मित्रों भगवान श्री राम का नाम आप लेते रहिए, इसमें कभी आप पीछे मत हटिए। मित्रों हनुमान चालीसा का पहला दोहा है, अगर आप बीमार रहते हैं, आप बीमार रहते हैं और बीमारी आपसे पीछा छूट नहीं रही, दवा लेने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मित्रों आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, दोनों में से कोई भी एक दिन चूज कर लें, एक समय ले लें। मित्रों 7 मंगलवार आपको कंटिन्यू ये दोहा बोलना है। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कोई एक समय लें, नियत समय पे बैठ जाएं, एक घंटे के लिए। मित्रों एक घंटे के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं, पहले तो जय श्री राम बोले, श्री राम जय राम जय राम बोले, उसके बाद एक घंटे के लिए निरंतर क्या बोले, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आपको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है और बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि साहब कि क्या नाम है जो आपकी बहुत लंबी दवाएँ चलेगी और डॉक्टर की दवा के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, और सर्जरी के लिए बोल दिया सर्जरी के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो आप इसको निरंतर जप करें, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सभी प्रकार की बीमारियों को भगवान श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे प्रभु, तो ऐसी इनकी कृपा है, सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर देंगे प्रभु। दूसरा मित्रों अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, मित्रों किसी संकट में फंसे हुए हैं, जैसे कोई किसी ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, कोई चोरी चकारी का इल्ज़ाम लगा दिया है, या कोई आपत्तिजनक आपको आप पे कोई गलत आक्षेप लग गया है जहाँ जेल जाने की नौबत आ रही है, इसमें आपका दोष नहीं था पर गलती से आप फंस गए हैं, ऐसी स्थिति आ जाए या कोई संकट आ गया, कोई कर्ज का संकट या किसी भी तरह कोई संकट आ गया, तो मित्रों आपको क्या करना है, आपको जपना है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। एक घंटे तक कंटिन्यू इसका जाप करना है आपको, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। मित्रों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं, बिल्कुल अपना टारगेट फोकस करके हर मंगलवार की मंगलवार आपको 7 मंगलवार तक कंटिन्यू ये जाप करना है। इसके अलावा तीसरा मित्रों जिनको डर बहुत ज़्यादा लगता है, स्पेशली बच्चों के लिए डर बहुत ज़्यादा लगता है, किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ का वास्तु खराब है, जहाँ आपको डर लग रहा है, उस कमरे में रहने में आपको अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो मित्रों आप ये बताएं, तो भगवान हनुमान जी महाराज ऐसे इंसान की हमेशा रक्षा करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे करके आप एक घंटे तक ये बोलते रहें। मित्रों बड़ी से बड़ी समस्या हो इस तरह की, भूत पिशाच ऊपरी हवा किसी भी तरह का कोई डर लगता हो आपको किसी भी तरह का, बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं आपके, आप यह आप एक घंटे कंटिन्यू इस चीज़ को बोलिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसके अलावा मित्रों जो लास्ट जो चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अमेजिंग चौपाई है, वो उनके लिए जिनके कोई गुरु नहीं है और जो चाहते हैं हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाना चाहते हैं और साथ ही हनुमान जी महाराज के साथ ही गुरु बनाने के साथ ही उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, जिनको हनुमान चालीसा पढ़ने में मन नहीं लगता और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जिनको ऐसा लगता है कि मैं मन से हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, ये लास्ट चौपाई उनके लिए है, ये लास्ट चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मित्रों ये कंटिन्यू आपको बोलना है
एक घंटे तक इसको ही बोल के रखना है आपको, ये कम भी बोल सकते हैं, ये तो एक कृपा के लिए है। आप हनुमान जी की कृपा तुरंत मिलती है, जो हनुमान चालीसा पढ़ने में जिनको बड़ी दिक्कत आ रही है ना पढ़ने में, जिनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हनुमान चालीसा पढ़ने में, अगर वो ये लाइन बार बार बोले जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो हनुमान जी की कृपा भी उनको मिलती है और हनुमान जी मार्गदर्शन करते हैं और उनको कोई गुरु भी मिल जाता है। वैसे तो हनुमान जी महाराज खुद ही गुरु हैं, पर उनको एक गुरु भी मिल जाएगा जिसके सहारे ये अपने इस पथ पर आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो मित्रों इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों आपका हनुमान चालीसा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्रों। इसके अलावा आपकी कोई और कोई समस्या हो तो उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।